हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि जो हमारे पासवर्ड होते हैं वो सिस्को स्विच में हम कैसे लगाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे जो पासवर्ड है वो 5 टाइप्स के हैं, तो हम उनको सेट करेंगे। जैसे हमारा प्रिविलेज मोड में एक पासवर्ड होता है, एक सीक्रेट पासवर्ड होता है, क्लाइंट कंसोल पासवर्ड होता है, और ऑक्सपोर्ट पासवर्ड होता है, और टेलनेट पासवर्ड होता है। तो इनमें क्या फ़र्क है और ये हम कैसे इनको इनेबल करेंगे, कैसे डिसेबल करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम पहले चलते हैं अपना प्रिविलेज मोड में। ये हमारा अभी यूज़र मोड है और यहाँ पे हमने इनेबल टाइप किया और यहाँ पे प्रिविलेज मोड में आ गए। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं। तो एक होता है हमारा यहाँ पे इनेबल पासवर्ड, इनेबल और पासवर्ड, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 123 इनेबल पासवर्ड हमारा इनेबल पासवर्ड। तो इसको हम चेक करते हैं, एग्ज़िट, और एग्ज़िट किया हमने। तो अभी हम यहाँ पर आ गए दोबारा से यूज़र मोड में। जैसे ही हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये पासवर्ड पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे हमने इनेबल टाइप किया, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो अभी यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है जो आपका प्रिविलेज का पासवर्ड है। तो हमने यहाँ पे 123 पासवर्ड एंटर कर दिया, तो नहीं करेगा आपको। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, तो अभी हम प्रिविलेज मोड में आ गए। तो अभी दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं और दूसरा पासवर्ड सेट करते हैं हमारा सीक्रेट पासवर्ड। तो यहाँ पे सीक्रेट पासवर्ड में क्या फ़र्क है आपको एक बार ये शो कर देता हूँ मैं। जैसे हम यहाँ पे शो रनिंग करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर आप ये पासवर्ड देख सकते हो, प्रिविलेज मोड वाला जो इनेबल पासवर्ड हमने लगाया था, पासवर्ड लगाया था 123, तो यहाँ पर हम इसको शो करते हैं। तो हमारा जो सीक्रेट पासवर्ड है उसको हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनेबल और सीक्रेट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ABC। ये हमारा सीक्रेट पासवर्ड हो गया। तो अभी हम इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ पे आते हैं हम इनेबल या यहाँ पे। तो अभी प्रिविलेज मोड में जैसे हमने यहाँ पे 123 टाइप करेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो यूज़र प्रिविलेज मोड का जो पासवर्ड है हमारा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारा सीक्रेट पासवर्ड है। तो यहाँ पे हमारी जो सीक्रेट पासवर्ड की वैल्यू है, इनेबल पासवर्ड की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम इनेबल पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड डालेंगे ABC। और अभी ये देखो यहाँ पर हम प्रिविलेज मोड में आ गए, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए और आप यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे शो करेंगे कि हमारा ये जो पासवर्ड है इनेबल वाला हमारा ये शो कर रहा था, तो प्रिविलेज इसमें क्या है आपका सीक्रेट पासवर्ड आपको शो नहीं करेगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा सारा। आपको इनेबल पासवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है 123, लेकिन सीक्रेट पासवर्ड आपको यहाँ पे इनक्रिप्टेड नज़र आ रहा है, तो आप रीड नहीं कर सकते। तो अभी हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और दूसरा है हमारा लाइन कंसोल पासवर्ड। तो लाइन कंसोल पासवर्ड हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइन कंसोल 0, तो यहाँ पे हम कंसोल, यहाँ पे इंटरफेस लाइन कंसोल पोर्ट में आ गए हैं। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं पासवर्ड और इसको डाल देते हैं हम 321, और इसको लॉगिन कमांड डालनी होगी एक्टिवेट के लिए। लॉगिन हो गया है यहाँ पर हमारा। और एक होता है हमारा एक्सपोर्ट एक्सेल पोर्ट, तो यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं लाइन AUX रिपोर्ट 0। और यहाँ पर ये यह हमारा भी सेट नहीं हो रहा, इसके लिए हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो अभी हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करते हैं टेलनेट लाइन VTY 0 से 4 तक, और पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा टेलनेट पासवर्ड है। यहाँ पे हम टेलनेट ही पासवर्ड दे रहे हैं इसको, देखिए टेलनेट 123 कर देते हैं। तो टेलनेट 123 हमारा पासवर्ड हो गया और इसको हमने लॉगिन कर दिया। ये हमारा हो गया टेलनेट पासवर्ड। जैसे ही हम अपने राउटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से, किसी और दूसरे लोकेशन से रिमोटली एक्सेस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये पासवर्ड के लिए पूछेगा कि आपका टेलनेट पासवर्ड क्या है। तो हम टेलनेट पासवर्ड के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा आप ये चारों पासवर्ड अभी सेट हो चुके हैं हमारे। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग और हम अपने पासवर्ड देख सकते हैं यहाँ पर।
तो ये हमारा हो गया यहाँ पे लाइन कंसोल पासवर्ड, टेलनेट पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड, और ये हमारा टेलनेट पासवर्ड। तो हम यहाँ पे इसको शो, ये हमारा शो कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इनक्रिप्टेड करते हैं जिससे कि कोई इसको रीड ना कर पाए। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया यहाँ पे, और यहाँ पर लिखते हैं सर्विस पासवर्ड इनक्रप्शन, तब ये इसको इनक्रिप्टेड कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, अब आप देख सकते हो दोबारा तो रनिंग, सॉरी भाई, तो रनिंग, तो भी आप जो पहले पासवर्ड यहाँ पे रीड कर पा रहे थे जैसे लाइन कंसोल का, वो देखो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ चुका है, और VTY का जो हमारा पासवर्ड है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ चुका है। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और अगर हमें कोई पासवर्ड डिसेबल करना है तो उसको डिसेबल कैसे करेंगे? तो सपोज़ हमें अगर इनेबल पासवर्ड को हटाना है, यहाँ पे एंटर करेंगे नो इनेबल पासवर्ड, और हमारा था इसको, तो पासवर्ड हमारा नो इनेबल पासवर्ड करेंगे तो इनेबल पासवर्ड हमारा हट जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे नो सीक्रेट पासवर्ड हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, नो इनेबल सीक्रेट लिखा और इसको एंटर कर दिया। हमारा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी यहाँ से हट गया है। अभी अभी हम हटाते हैं टेलनेट पासवर्ड जो हमने VTY करके लगाया था। तो हम पहले लाइन VTY 0 से 4 में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम नो पासवर्ड और इसको एंटर कर देंगे, ये हमारा गया। अभी हम हटाएंगे लाइन कंसोल वाला पासवर्ड, तो एग्जिट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे लाइन कंसोल जीरो, यहाँ लिखेंगे नो पासवर्ड। अभी हमारे सारे पासवर्ड यहाँ से हट चुके हैं, अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई पासवर्ड नहीं है। अभी देखो आप, मैं एग्ज़िट हुआ तो यहाँ पे हमारा कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, हमारे सारे पासवर्ड हट चुके हैं अभी यहाँ से। अभी हम देखते हैं बैनर, बैनर सेट करते हैं हम यहाँ पर अपना। तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में बैनर और MOTD बैनर लिखेंगे, और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिस, और वही हमें एंड करना पड़ेगा जहाँ पर हम अपना मैसेज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हैज लगाया, और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जो आपको राइट करना है। तो मैं लिखता हूँ वेलकम टू दिल्ली एयरपोर्ट राउटर। आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं जो आपको लगे, जो आपको मैसेज देना है, तो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन लगानी है यहाँ पर। और जैसे ही आप अपना मैसेज शुरू करेंगे तो आपको एक हैज की या कुछ भी आप स्टार्ट जहाँ से करोगे वही आपको एंडिंग में देना है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज अपना ख़त्म कर दिया, हैज लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ पर शो कर रहा है। तो एग्जिट एग्जिट किया हमने, और दोबारा हम जैसे ही कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा कि जो हमने मैसेज यहाँ पर लिखा है, बैनर लिखा है। तो आप यहाँ पर कोई भी मैसेज लिख सकते हो, 1 लाइन का, 10 लाइन का, वो कोई मैटर नहीं करता। तो हम दोबारा से इनेबल मोड पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमने आज सीखा वो पासवर्ड कैसे सेट करते हैं स्विच के अंदर, और उसको डिसेबल कैसे करते हैं, और हमने यहाँ पे बैनर लगाना सीखा। ये हमारा बैनर था MOTD बैनर, हो गया हमारा लॉगिन बैनर, एक होता है हमारा एग्जैक बैनर, एक होता है लॉगिन बैनर, हमारे 3 तरह के होते हैं यहाँ पे ये। तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे VLAN। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।